वैसे तो बिहार सरकार प्रतिवर्ष शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया करती है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शिक्षा में कोई विशेष सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। यह आरोप लोदीपुर पंचायत के ग्रामीणों ने भोजपुर दर्शन से की। लोदीपुर ग्रामीणों का कहना है कि लोदीपुर के मुखिया ने जो मनमानी कर रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा में कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रही है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की बातें कि शिक्षा को लेकर मुखिया पर क्या क्या आरोप ग्रामीणों ने लगाया। आपका गांव में बहुत चर्चा नाम दिया जा रहा है, आप बहुत कुछ सैनिक भी हैं। अब देखा जाए कि इस पंचायत में शिक्षा दिन पर दिन गिरती गई है। यहाँ पर अभी हम ज्यादा किए हैं स्कूल में, आपका कोई देखा जाए कि बिहार का राजधानी कोई बच्चा नहीं है। कितना शिक्षा है यहाँ पर? शिक्षा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है, मुखिया हुए या हमारे पंचायत के, हमारे गांव के, हमारे गांव में मुखिया जी तो ध्यान नहीं देते। मुखिया जी अगर ध्यान दें तो शिक्षा का स्तर ऊपर आ सकता है। जी मुखिया जी कमेटी गठित करें, शिक्षा के लिए अच्छा हो जाएगा। अभी वार्ड संघ के जो रंजन बाबा थे, अभी अध्यक्ष भी हैं स्कूल का, अब जायजा करने के लिए कोचिंग देखें कि अभी प्रिंसिपल का जो हाजिरी नहीं बनाया गया। रंजन बाबा मेहनत करते हैं, हाजिरी नहीं बनी है, वो नहीं आया। रंजन बाबा क्या इसके बारे में कभी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जायजा करने के लिए कभी स्कूल में गए हैं आप? जी जी स्कूल पर गए थे, वहाँ पर जो स्कूल का कमेटी गठित है, जी सरकार का भी बहुत ज़्यादा दोस्त है, उसमें यह नियम लगा हुआ है कि केवल उस कमेटी में उसी के गार्जियन रहेंगे जो छात्र पढ़ता है। और गांव के बहुत से तेज तेज आदमी का जो है कमेटी में नहीं नाम है। सर ऐसा भी बात आता है जो मध्याह्न भोजन बच्चे को मिलता है, अभी कुछ दिन में मध्याह्न भोजन भी बंद है, आपको बच्चे को कुछ मध्याह्न भोजन अच्छा नहीं मिलता है? जी जी वो सब मनमानी करता है, मुखिया के संपर्क में आकर और मनमानी काम। यानी दोषी इसमें किसको मान रहे आप? दोषी इसमें देखिए, सबसे तो पहले मुखिया ही दोषी, मुखिया ही दोषी, इसलिए कि पंचायत का सर्वे सर्वा है, उसको जो है कमेटी गठित कर दे गांव में और देख रेख किया जाए शिक्षा का स्तर सही। क्या लगता है जो अभी के मुखिया हैं, क्या जायजा करने के लिए कोई मुश्किल में जाते हैं इसके पंचायत में? नहीं ऐसा तो नहीं देखा गया। साथ में योजना की भी बात चल रहा है मुख्यमंत्री का, अभी नल जल की योजना, कितना भी पंचायत में काम विकास हुआ होगा? जी पंचायत में जो महादलित वार्ड है, जी जी पहले वो चयन हुआ था, जी 6 नंबर वार्ड, जी तो उसमें काम नहीं लगा हुआ है। 5 नंबर में भी महादलित लोग हैं, उसमें भी काम नहीं लगा। और जिसमें फॉरवर्ड क्लास हैं और पिछड़ा वर्ग है, उस गांव में काम लगा हुआ है। पहले महादलित में काम होना चाहिए था, भेदभाव कर रहे हैं और महादलित के साथ जो बात भेदभाव कर रहे हैं। और वहाँ पर हम गए थे, देखे हैं कि 3 फीट गहराई में पाइप देना चाहिए, जबकि लगता है कि 1.5 बीता में दिया हुआ है। खुदाई करके देखा जाए वहाँ पर बहुत पाइप का भी अवसर जो है देखा गया, देखने से ही पता चल रहा है कि जो यानी माना जाए कि आपके पंचायत में कोई नल जल की योजना अभी तक नहीं बनी हुई है ना? बनी नहीं है, जो चल रही है बहुत गड़बड़ है, कभी धीमे चल रही है, धीमी चल रही है। वहाँ पर गए तो बिशुनपुर में निजी जमीन में बोरिंग किया हुआ है, जबकि वहाँ पर बिहार सरकार जमीन बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। ठीक सर, आपसे विशेष जानकारी सर आप बताया जाए जो अभी साथ में योजना चल रहा है, अभी शिक्षा भी देखा जाए साथ शिक्षा पर दिन गिरती जा रही। देखिए हमारे पंचायत के जितने भी विद्यालय हैं, हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल जी और बाकी 2 मध्य विद्यालय और 3 प्राथमिक विद्यालय और 1 उप विद्यालय जी, तो इन सारे ओवरऑल सारे विद्यालयों को हमारे यहाँ देखा जाए तो इसमें शिक्षक लोगों का सभी विद्यालयों में एक ही रवैया है, समय से नहीं आना, समय से स्कूल पहले बंद करके चला जाना। और विद्यालय के अध्यक्ष यदि जाकर उनको सर ये भी बात होती है, आप अध्यक्ष भी हैं स्कूल का, तो वही तो बता रहे हैं विद्यालय के अध्यक्ष उनको वार्निंग यदि करते हैं कि आप समय से आओ, बच्चों को शिक्षा दीजिए, आप इसी के लिए नियुक्त हुए हैं सरकार, इसी के लिए कैमरा टीम सर पहुंची थी वहाँ पर, देखी गई हाजिरी वहाँ पर प्रिंसिपल का नहीं बना हुआ। हाँ तो अब इसके संबंध में तो प्रिंसिपल ही कुछ कह पाएंगे कि उनकी हाजिरी नहीं बनी है। आपकी दावत क्या बनता है? मैं पूछूंगा उनसे, स्पष्टीकरण लेटर निकालूंगा। अध्यक्ष भी हाँ मैं स्पष्टीकरण पूछूंगा उनसे और
मैं उनको अवसर देते हुए मैं क्या माना जाए बच्चों के साथ भविष्य की खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, अभी तो कोई जानकारी नहीं है और कोई ऑफिशियल छुट्टी पर वेतन उठाया जा रहा है, केवल वेतन उठाया जा रहा है। आप क्या कहिएगा शिक्षा को लेकर दिन प्रतिदिन बीतती जा रही है? शिक्षा के लिए यहाँ के मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था दोषी है और यहाँ के पब्लिक भी दोषी है। पब्लिक भी दोषी है? हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था भी दोषी है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था अगर जनता को अगर अनुमति दे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं विकास के लिए, विरोध के लिए नहीं, विकास के लिए हम लोग बहुत कुछ सहयोग कर सकते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देखा जाए बच्चियों में पढ़ाई के नाम कोई नजर नहीं आ रहा है। नहीं आने का कारण है, अगर सरकार हम लोग को अनुमति दे यहाँ के जनता को बुद्धिजीवी वर्ग को तो हम लोग आगे आ सकते हैं और पूरा अपने हैंड ओवर लेके और सरकार को हम लोग मदद करने के लिए तैयार है, मगर हम लोग को अनुमति है ही नहीं। यहाँ गठित करे वो अच्छे लोगों को चुने, बुद्धिजीवी लोगों को, और तब हम लोग आगे इन लोगों को साथ देंगे साथ सरकार को। आप क्या कहिए, आप युवा पीढ़ी हैं, अभी देखा जाए बच्चों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा गिरती जा रही है, बच्चों को कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। इसमें टीचर लोग जो है ना बहुत ढीला से भी काम कर रहे हैं, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं, कोई अच्छा से ड्यूटी नहीं कर पाता है, कोई आता भी है तो अपने काम से निकल जाता है, अटेंडेंस लगाया घर पे चला गया, इससे दिक्कत है। और प्रशासनिक ज़्यादातर अभी आपके पंचायत में भोजपुर दर्शन कैमरा टीम पहुंची हुई, देखा गया कि जायजा करा गया कि अभी कोई यहाँ पर टीचर या प्रिंसिपल टाइम पर नहीं पहुंचे हुए। तो ये तो कमी है ना, ये हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं उनका कमी है या जिला स्तर पर जो शिक्षा पदाधिकारी है उनकी कमी है, वो निगरानी नहीं। आप सर गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके बारे में कभी कभी आवाज उठाएं कभी? ये तो हम लोग कई एक बार बोले हैं लेकिन वो लोग अपना रवैया छोड़ेगा नहीं, लोग जो रवैया रख रखा है वो रखेगा। यानी कोई भी देखा जाए बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कंप्लेन का धमकी देता है लोग। ये तो जब तक ऊपर वाले नहीं टाइट होंगे जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारी जब तक नहीं टाइट होंगे तब तक। आपका जवाब क्या बनता है, आपका जवाब क्या होता है इसमें? हम लोग भी बच्चा पढ़ सकता है। हाँ, हम लोग तो उनको बराबर जानते हैं, बोलते हैं कि आप लोग समय से आइए। इसके बारे में कभी कभी अपने प्रखंड अध्यक्ष या वार्ड बीडीओ मुखिया संघ से कभी आवाज उठाए आप? हाँ, वो तो बोला गया है। मुखिया क्या बोलते हैं? बोलते हैं तो सही काम कर रहा है, लोग काम कर रहा है, लोग केवल ये बोलते हैं लोग काम तो कर रहा है, लोग स्कूल आ रहा है लोग, लेकिन स्कूल में कोई इसी तरह का। अभी देखा जाए वहाँ पर मध्याह्न भोजन की बहुत खराब स्थिति बताया जा रहा है। हाँ, ये तो ये लोग अपना प्रशासनिक पदाधिकारी समझेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक, अपना नाम बता दे। रवीश कुमार सिंह।